अध्यक्ष जी, अभी स्वास्थ्य विभाग पे चर्चा हो रही थी तो बार बार जिक्र हो रहा था कि हमारे पास 45 मेडिकल कॉलेजेस हैं और साथ ही साथ 14 बन रहे हैं और 16 पीपीपी मॉडल पे बनेंगे, उसी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। इस पे बारे में पूछिए। तो जौनपुर में सर इनका एक इन्होंने बनवाया है, तो पहली बात तो सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, शायद 2017 से पहले इनका कहना है कि कोई मेडिकल कॉलेज था ही नहीं, जो भी बना है पिछले शायद 5 या 6 सालों में ही बना है। और दूसरी बात, जितने भी मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाए हैं वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सर संविदा पे काम कर रहे हैं, और जो हमारे जौनपुर का मेडिकल कॉलेज है वहाँ 6 महीने से स्टाफ की सैलरी नहीं आई है। तो अगर इस तरीके से स्टाफ की सैलरी में डिले होगा तो किस तरीके से हमारा मेडिकल सिस्टम वर्क करेगा? तो सर इसको मैं चाहूंगी कि सुनिश्चित किया जाए। इसमें लिखा है तत्क्रम में कार्मिकों को मार्च जनवरी 2023 के वेतन का भुगतान कर दिया गया भुगतान। जी सर कर दिया गया, लेकिन 6 महीने डिले था, वो क्यों था, उसका रीजन तो मिलना चाहिए। अब तो हो गया, अब हो गया, उसके लिए धन्यवाद। चलिए धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। आगे से समय से भुगतान हो जाए, ये चलिए ठीक। जो कहा कि कारण नहीं बताया, कारण नहीं बताया किस वजह से डिले हुआ, बताया कारण भी बताया उसमें लिखा होगा। एनीवे हो गया ना, आगे से डिले ना हो ऐसा प्रयास करें।